आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं लीनियर इक्वेशंस का मोर कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चंस। लास्ट टाइम जो हम लोग सीखे थे, फर्स्ट रिवाइज करने के लिए एक सिंपल सा सम लेते हैं। फर्स्ट में सपोज हम लोग को दिया हुआ है 2x by 3 plus 1 is equals to 7x by 15 plus 3। इसको हम लोग को x का वैल्यू निकालना है। फर्स्ट में जो वेरिएबल टर्म्स है ये और ये, इनको हमको एक साइड लाना पड़ेगा, और जो कांस्टेंट टर्म्स है ये वाले और 1 और 3, उनको एक साइड लाना पड़ेगा। तो सपोज 2x प्लस 3 माइनस 7x बाई 15 प्लस 1, क्योंकि हम लोग राइट हैंड साइड में माइनस 7x बाई 15 करेंगे तो ये दोनों टर्म्स एक दूसरे से कैंसिल हो जाएगा। तो इसीलिए माइनस करने से, क्योंकि ये जो 7x बाई 15 है राइट हैंड लेफ्ट हैंड साइड से कैंसिल हो जाएगा, राइट हैंड साइड से कैंसिल हो जाएगा, तो हम लोग इस दोनों को कैंसिल कर। अब नेक्स्ट टर्म में हम लोग क्या करेंगे, 2x बाई, नेक्स्ट स्टेप में 7x बाई 15 प्लस 1 माइनस 1, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड से हम लोग माइनस 1 किए तो राइट हैंड साइड से भी माइनस 1 करेंगे, तो ये टर्म लेफ्ट हैंड साइड से कैंसिल हो जाएगा। अब 3 और 15 का एलसीएम लेंगे, 15 आएगा, 3 5 ज़ा 15, 5 इंटू 2 10x, और 15 1 ज़ा 15 तो 1 इंटू 7 7x, ये हो गया हम लोग का न्यूमरेटर, और 3 माइनस 2 2। अब बचा मेरे पास में 3x बाई 15 इज इक्वल टू 2, तो अब हमको भी इस 15 को एलिमिनेट करना है यहाँ पे, तो हम दोनों साइड्स को 3x बाई 15 इंटू 15 कर देंगे, और यहाँ पे भी मतलब दोनों साइड्स को 15 से इंटू कर देंगे, तो यहाँ 15 एक दूसरे से कैंसिल हो जाएगा और 3x मेरे पास आएगा इज इक्वल टू 15 इंटू 2 यानी 30। तो x इज इक्वल टू मेरे पास अब क्या आएगा, मेरे को 3 को एलिमिनेट करना है, तो लेफ्ट हैंड साइड को 3 से डिवाइड करेंगे और राइट हैंड साइड को भी 3 से डिवाइड करेंगे, तो यहाँ पे 3 3 एलिमिनेट हो गया, यहाँ पे 3 10 जो 30, तो x इज इक्वल टू 10 मिल गया। तो ये एज अ रिविजन काम करेगा हम लोग का लास्ट क्लास का। अब हम लोग कुछ थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड सा प्रॉब्लम समझते हैं। तो लीनियर इक्वेशन से हम लोग एज बेस्ड सम्स बहुत आसानी से निकाल सकते हैं। इसमें हम लोग को कुछ इन्फॉर्मेशन ऐसे दिया जाता है कि 4 साल पहले एक पर्टिकुलर पर्सन का एज इतना था और 4 साल पहले उसके बेटे का एज इतना था, तो दोनों का, दोनों के बीच में कुछ रिलेशन दे सकता है या कुछ दोनों का सम या उन दोनों का डिफरेंस दे सकता है, उस हिसाब से हम लोग को निकालना होता है क्या कि अभी उन लोग का एज कितना है। तो इस चीज़, इस पर्टिकुलर टाइप्स ऑफ सम्स करने के लिए जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हम लोग के लिए है वो ये है कि हम लोग सम्स का लैंग्वेज बहुत अच्छा से पढ़े, सम का लैंग्वेज को अच्छा से पढ़े, और उससे स्टेटमेंट बहुत अच्छे से बनाए, और उससे फिर इक्वेशन बहुत अच्छे से बनाए। अगर हम लोग का इक्वेशन गलत हो जाता है तो हम लोग का सम भी गलत हो जाएगा, तो ये चीज़ का हम लोग को बहुत अच्छा से ध्यान रखना पड़ेगा। एक पर्टिकुलर एग्जांपल देखते हैं। द एज ऑफ राहुल एंड हरुण आर इन द रेशियो 5:7, सो 4 years लेटर द सम ऑफ दियर एजेस विल बी 56, वॉट विल बी द प्रेजेंट एज। तो हर एक लाइन को हम लोग को अच्छा से एकदम दिमाग लगा के समझना पड़ेगा। तो फर्स्ट लाइन में क्या लिखा हुआ है, द एज ऑफ राहुल एंड हरुण आर इन द रेशियो 5:7, तो मतलब क्या, राहुल का और हरुण का जो एज है उनका रेशियो जो है 5:7 है। तो अब जैसे अगर सपोज राहुल का एज 50 हुआ तो हरुण का एज 70 हो जाएगा, क्योंकि ये कट के फिर 5:7 का रेशियो में आ जाएगा। ऐसा भी हो सकता है कि इसका एज हो गया 25, इसका एज हो गया 35, तो 25 by 35 भी हो सकता है, तो भी 5:7 में आएगा। पर जब भी हम लोग को रेशियो दिया जाए 5:7 या 2:3 या 4:3, तो हम लोग को अज्यूम क्या करना पड़ता है, हम लोग मानेंगे क्या, लेट राहुल एज बी, जो इसका न्यूमेरिक वैल्यू दिया गया वो 5, और उसके साथ हम लगा देंगे x। उसी तरीके से सिमिलर वे में हरुण का एज कितना हो जाएगा, हरुण से एज विल बी 7x।
ठीक है, अब हम लोग अकॉर्डिंग टू सम हम लोग समझेंगे। अच्छा, अभी ये जो एज है वो प्रेजेंट एज है, अभी का एज है, मतलब अगर हम लोग ये सम हम लोग 2021 में बना रहे हैं तो प्रेजेंट राहुल का एज 5x होगा और हरुण का 2021 में 7x होगा, प्रेजेंट एज। अच्छा, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पार्ट में बोला गया, 4 ईयर्स लेटर द सम ऑफ द देयर एजेस विल बी 56। 4 ईयर्स लेटर, तो सपोज अगर आपका उम्र अभी 15 साल है तो 4 साल बाद आपका उम्र कितना हो जाएगा, 15 प्लस 4 19। तो उसी तरीके से अगर राहुल का एज अभी 5x है तो उसका 4 ईयर्स के बाद क्या एज हो जाएगा, 4 ईयर्स लेटर राहुल का एज कितना हो जाएगा, 4 साल से बढ़ जाएगा, तो राहुल से एज विल बी व्हाट, 5x प्लस 4। उसी तरीके से हरुण अगर अभी 7x का है तो 4 साल बाद उसका क्या उम्र हो जाएगा, हरुण से एज विल बी व्हाट, हरुण से एज विल बी 7x प्लस 4। ठीक है, ये हम लोग को बताया गया। अब हम लोग को कंडीशन क्या दिया गया है कि सम ऑफ दियर एजेस, मतलब 5x प्लस 4 और 7x प्लस 4 जो हम लोग को मिला है 4 साल बाद वाला उम्र, वो उन दोनों को टोटल करने से मेरे को 56 मिलेगा। तो 5x प्लस 4 प्लस 7x प्लस 4 = 56 होगा, ये हम लोग को अकॉर्डिंग टू सम मिला है। अकॉर्डिंग टू सम द सम ऑफ दियर एजेस 4 ईयर्स लेटर, मतलब 4 साल के बाद में जो उन लोगों का उम्र होगा उन दोनों का टोटल 56 है। तो 5 प्लस 7 हो गया 12x और 4 प्लस 4 हो गया मेरा 8 = 56। तो ये मिल गया मेरे को इक्वेशन। इसके बाद इक्वेशन मिलने के बाद तो हम लोग इक्वेशन सॉल्व करना आता ही है, फटाक से कर लेते हैं। सपोज ये कांस्टेंट टर्म है, कांस्टेंट टर्म को हमको लेफ्ट हैंड साइड से एलिमिनेट करना है तो +8 -8 कर देंगे, उसी 8 को इस तरफ भी माइनस करना पड़ेगा मेरे को, तो +8 -8 कैंसिल हो गया और 56 - 8 मेरा आ गया 48। तो 12x = 48, अब मेरे को 12 को एलिमिनेट करना है लेफ्ट हैंड साइड से, तो हम 12x को 12 से डिवाइड कर देंगे जिससे ये कैंसिल हो जाएगा। अब 48 को भी 12 से डिवाइड करना पड़ेगा क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड को हम 12 से डिवाइड किए थे। तो 12 1 12 4, तो x का वैल्यू मेरे पास आ गया 4। बट हमको क्वेश्चन में निकालने क्या बोला, व्हाट इज दियर प्रेजेंट एजेस, तो हम लोग ने अज्यूम किया क्या क्या था, राहुल का एज 5x होगा और हरुण का एज 7x होगा। तो राहुल का एज हो गया 5 × x यानी 5 × 4 यानी 20 और हरुण का एज कितना हो गया 7 × 4 = 28। तो 20 = 28 अगर हम लोग करेंगे, 20 से 28 को डिवाइड करेंगे तो 5/7 आएगा। तो ये क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में था, तो 5:7 के रेशियो में दोनों का एज है। तो इस तरीके से हम लोग क्रॉस वेरीफाई भी कर सकते हैं कि हम लोग जो वैल्यू निकाले हैं वो सही है कि नहीं। एज पे हम लोग एक और एग्जांपल देखते हैं। रोहन्स फादर इज 26 इयर्स यंगर देन रोहन्स ग्रैंडफादर एंड 29 इयर्स ओल्डर देन रोहन। इफ द सम ऑफ दियर एजेस इज 135, व्हाट इज द एज ऑफ ईच। मींस रोहन है एक लड़का, उसका पापा है और उसका ग्रैंडफादर। तो सब में बोला क्या गया, रोहन्स फादर इज 26 ईयर यंगर देन रोहन्स ग्रैंडफादर। मींस रोहन के फादर जो हुए वो 26 इयर्स उनके बीच का एज गैप है, इन दोनों के बीच का एज गैप 26 है। और रोहन रोहन के फादर और रोहन के बीच में कितना का एज गैप है, 29 का एज गैप है। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग रोहन के फादर को एक्स मान सकते हैं या फिर रोहन का एज भी एक्स मान सकते हैं, दोनों ही तरीके से हम लोग कर सकते हैं सम। तो हम लोग क्या करें, हम लोग रोहन का फादर रोहन का एज को एक्स मानते हैं। सपोज रोहन्स एज बी एक्स, देन उसके फादर का एज कितना हो जाएगा, फादर एज विल बी व्हाट, x प्लस 29, क्योंकि दोनों के बीच का एज गैप 29 का है। तो 29 उसके फादर का एज हो गया। अब ग्रैंडफादर्स का एज कितना हो जाएगा, ग्रैंडफादर्स एज विल बी व्हाट, फादर से 26 ज्यादा, मतलब फादर का है x प्लस 29 तो उससे भी 26 ज्यादा। तो यानी इसका मतलब कितना हो गया, x प्लस 29, 39, 49 और 6 यानी 55। तो x प्लस 55 ये ग्रैंडफादर का एज हो गया और फादर का एज हो गया x प्लस 29 और रोहन का एज हो गया x, सम के अकॉर्डिंगली। तो अगर हम लोग को बोला गया इफ द सम
सम ऑफ देयर एज इज 135, व्हाट इज द एज ऑफ ईच? अगर तीनों के एज का टोटल 135 है तो हम लोग को हर एक का उम्र निकालना है. तो अकॉर्डिंग टू सम क्या दिया गया है कि रोहन का एज यानी एक्स प्लस रोहन के पापा का एज यानी एक्स प्लस 29 और रोहन के दादा का एज यानी एक्स प्लस 55, दैट विल बी इक्वल टू व्हाट? दैट विल बी इक्वल टू 135. तो ये मेरे को इक्वेशन मिल गया, अभी क्लियर नहीं हुआ है. एक्स प्लस एक्स यानी 3x और 29 प्लस 55 हुआ 65, 75, 84. तो 84 इज इक्वल टू 135. ये हो गया मेरा इक्वेशन. अब हमको x सॉल्व करके इन सब तीनों का एज निकाल लेंगे हम लोग बड़े आराम से. तो सपोज 3x इज 84 जो कांस्टेंट टर्म है, इसको मेरे को लेफ्ट एंड राइट साइड में लेके आना है. तो हम क्या करेंगे, प्लस 84 माइनस 84 कर देंगे, तब 84 एक दूसरे से कैंसिल हो जाएगा और 84 मेरे को राइट हैंड साइड में भी माइनस करना पड़ेगा ताकि हम बैलेंस बना के रखें इक्वेशन का. तो ये इम्प्लाई साइन जरूर दे दें. और 84 एक दूसरे से कैंसिल हो गया, ये बचा मेरे पास 1 और यहाँ बचा 51. तो 3x इज इक्वल्स टू 51, एक्स इज इक्वल्स टू 3x बाई 3 इज इक्वल्स टू 15 बाई 3 करेंगे क्योंकि मेरे को 3 को एलिमिनेट करना है. तो 3 3 एक दूसरे से कैंसिल हो जाएगा और 3 17 जा 3 17 इंटू 3 51 होता है, तो 3 यहाँ पे 17 आ जाएगा. तो x का वैल्यू हो जाएगा मेरा 17. अब मेरे को सबका एज निकालना है. तो रोहन का तो एज हो गया 17, तो रोहन 17 एज का है और फादर उसके जो x प्लस 29 है, तो यानी 17 प्लस 29 हो जाएगा फादर का एज. तो 79, 27, 39, 46. 46 विल बी फादर्स एज. एंड व्हाट विल बी द ग्रैंड फादर एज? ग्रैंड फादर्स एज विल बी, ग्रैंड फादर्स एज विल बी व्हाट? एक्स प्लस 55. सो एक्स इज व्हाट? 17 प्लस 55. तो 5 प्लस 7 होता है 12, तो 2 गया और कैरी हुआ 1. 1 प्लस 5 इज 6 एंड 6 प्लस 1 इज 7. तो 72 विल बी ग्रैंडफादर से. अगर हमको चेक करना है कि हम लोग जो सम किए हैं सही किए कि नहीं, तो हम इन दोनों तीनों को टोटल कर देंगे. अगर तीनों का टोटल 135 आता है तो मतलब हम लोग सम सही किए हैं, अगर नहीं आता है तो गलत हुआ. 72 प्लस 46 प्लस 17 कर लेते हैं. 6 प्लस 2 8, 8 प्लस 17 इज 15. तो 5 1 गया ऊपर, 7 प्लस 1 इज 8, 8 प्लस 1 इज 9, 9 प्लस 4 इज 13. तो 135 तीनों के एज का टोटल हो गया. तो हम लोग क्रॉस चेक कर लिए कि हाँ, हम लोग जो सम किए हैं सही किए हैं. तो इस तरीके से हम लोग अलग अलग फील्ड में लीनियर इक्वेशन का एप्लीकेशन कर सकते हैं. तो एज बेस्ड सम्स मेरे ख्याल से अब क्लियर हो जाना चाहिए. और अब आगे देखते हैं कि और कौन सा टाइप ऑफ सम्स हम लोग इससे कर सकते हैं लीनियर इक्वेशन से. तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और अलग अलग टाइप का एग्जांपल देखते हैं जिसमें हम लोग लीनियर इक्वेशन का यूज से रियल लाइफ प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं. सपोज क्वेश्चन है कि द ऑर्गेनाइजर्स ऑफ एन ऐसे कॉम्पिटिशन डिसाइड दैट अ विनर इन द कॉम्पिटिशन गेट्स अ प्राइज ऑफ ₹100 एंड पार्टिसिपेंट हु डज नॉट विन गेट्स अ प्राइज ऑफ ₹25. The total prize money distributed is ₹3,000. Find the number of winners if the total number of participants is 63. So first thing that we have to do is understand the problem thoroughly. We have to understand the problem very thoroughly and we have to understand each and every statement very, very thoroughly. Okay. So इसमें क्या बोल रहा है कि organizers है, the organizers तो इससे competition डिसाइड कर रहा है कि विनर को ₹100 मिलेगा. विनर जैसे सपोज एक जगह में ऐसे कंपटीशन ऑर्गेनाइज किया है, ऑर्गेनाइजर बोला है कि जो इसको विन करेगा विनर विल गेट व्हाट? ₹100. और एक से ज्यादा विनर्स भी हो सकता है फर्स्ट. तो ₹100 विनर्स को मिलेगा और जो लूज करेगा, मतलब जो पार्टिसिपेट किया पर जीत नहीं पाया, नॉन विनर्स, उसको भी, वो भी खाली हाथ नहीं जाएगा, उसको भी ₹25 करके मिलेगा कॉन्सोलेशन प्राइस बोल के कि तुम पार्टिसिपेट तो किए, तो पार्टिसिपेट के लिए उसको ₹25 देगा.
तो हमको बताना है कि अगर 63 टोटल लोग पार्टिसिपेट किए तो कितने लोग जीते कंपटीशन को, कितने लोग जीते कंपटीशन को। अब ज़रूरी नहीं है कि कंपटीशन का एक ही विनर हो, क्योंकि क्वेश्चन में क्या विनर्स बोला है, तो हो सकता है एक से ज़्यादा आदमी भी जीता हो। तो वी डोंट नो नाउ, अभी हम लोग को नहीं मालूम कि एक जीता है कि एक से ज़्यादा जीता है। तो बट हम लोग को इतना मालूम है कि विनर को 100 रुपीज़ मिलेगा और नॉन विनर यानी सिर्फ पार्टिसिपेंट को 25 रुपीज़ मिलेगा, और टोटल मनी जो डिस्ट्रीब्यूट किया गया मतलब इस कंपटीशन में 3,000 रुपीज़ ऑर्गेनाइजर को देना पड़ा। मतलब स्टूडेंट्स लोग या जो भी पार्टिसिपेंट्स लोग इसमें पार्टिसिपेट किए, दोनों को मिला के जितना रुपया खर्च किया गया वो है 3,000 रुपीज़। तो अब हम लोग क्या कर सकते हैं, सपोज लेट द नंबर ऑफ विनर्स बी व्हाट, लेट द नंबर ऑफ विनर्स बी एक्स, विनर्स लोग हैं एक्स। तो अच्छा समझ लो टोटल 63 स्टूडेंट 63 पार्टिसिपेंट्स हैं और उसमें एक्स लोग जीते, तो हारे कितने लोग। अगर सपोज ये कंपटीशन 63 स्टूडेंट्स था, दो लोग जीतते, तो हारे कितना लोग, 61 लोग हारे। तो 61 को हम लोग कैसे निकालते हैं, 63 - 2 = 61, इस तरीके से ही निकालते हैं। तो एक्स लोग अगर जीते, इस एक्स को हम लोग को हमेशा एज अ नंबर ट्रीट करना पड़ेगा, क्योंकि जब हम लोग एक्स लास्ट में निकालते हैं एक्स का वैल्यू, तो एक्स का वैल्यू क्या आता है, एक न्यूमेरिक वैल्यू ही आता है। तो इस एक्स को भी हम लोग को एक न्यूमेरिक वैल्यू ही ट्रीट करना पड़ेगा, ना कि एक इंग्लिश का कैरेक्टर। ये एक्स भी एक नंबर है। तो अगर नंबर ऑफ विनर्स एक्स हुआ तो नंबर ऑफ नॉन विनर्स कितने होंगे, नंबर ऑफ नॉन विनर्स विल बी व्हाट, नंबर ऑफ नॉन विनर्स विल बी 63 - x। तो अगर विनर्स नंबर ऑफ विनर्स विल इज एक्स एंड नंबर ऑफ नॉन विनर्स इज 63 - x, देन हाउ मेन कितना लोग जीते ये हम लोग को फाइंड करना है। तो अगर एक्स लोग को 100 रुपीज़ करके मिला, तो एक्स लोग के ऊपर कितना खर्चा हुआ, एक्स लोग कितना मनी रिसीव्ड बाई विनर्स। जैसे कि हम लोग अभी ज़ूम किए कि दो लोग जीते, तो अगर दो लोग जीते होते तो कितना रुपया विनर्स लोग ले जाते, एक आदमी को 100 मिलता तो दो आदमी को 200 मिलता, 200 रुपीज़ मिलता। इफ़ 1 पर्सन विल गेट 100 रुपीज़, देन 2 पर्सन विल गेट हाउ मच रुपीज़, 200 रुपीज़। तो मनी रिसीव्ड बाई द विनर्स विल बी वॉट, x × 100, x × 100 मीन्स 100x। एंड मनी रिसीव्ड बाई नॉन विनर्स, मनी रिसीव्ड बाई नॉन विनर्स विल बी वॉट, 63 - x × 25। तो जो लोग हारे हैं उन लोगों को 25 मिला। अगर सपोज 60 लोग हारे हैं तो हर एक जो हारे हुए पार्टिसिपेंट है उसको 25 रुपीज़ करके मिलेगा, तो 60 × 25 करते हैं। तो अभी हम लोग को वो डेफिनेट नंबर नहीं मालूम है, तो अभी हम लोग को इतना ही मालूम है कि नंबर ऑफ नॉन विनर 63 - x है, तो हर एक जन को कितना रुपया देना पड़ेगा, 25 रुपीज़। तो अब अकॉर्डिंग टू सम हम लोग को क्या पता चला कि इसका टोटल और इसका टोटल इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 3,000 रुपीज़। तो 100x + 63 - x × 25 विल बी वॉट इज इक्वल टू 3,000 रुपीज। तो अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगा के इसको एक्सपेंड करते हैं। 63 × 25 इज वॉट, 75 - 1575 - 2,500 विल गिव मी 3,000 रुपीज। तो 100 - 25x, 100x - 25x मेरे को देगा 75x + 1575 = 3,000। तो अब ये मिल गया मेरे को इक्वेशन, ये मेरा इक्वेशन हो गया। इसको सॉल्व करेंगे तो मेरे को एक्स यानी नंबर ऑफ विनर्स मिल जाएगा। तो अब इसको सॉल्व करते हैं, ये है मेरा कांस्टेंट टर्म, इसको मेरे को लेफ्ट हैंड साइड से इलिमिनेट करना है। तो 75x + 1575 - 1575 करेंगे तो ये एक दूसरे से कैंसिल आउट हो जाएगा। पर क्योंकि हम लेफ्ट हैंड साइड में 1575 माइनस किए हैं, तो मेरे को राइट हैंड साइड में भी 1575 माइनस करना पड़ेगा बैलेंस बनाने के लिए। तो 75x = what, 30,000 - 1575। तो ये होगा मेरा 5, ये होगा मेरा 2, ये होगा मेरा 4 और ये होगा मेरा 1। एक बार चेक कर लेते हैं फिर से, 5 7 2 और ये होगा 4। हाँ ठीक है, 1425। तो अब एक्स को मेरे को एलिमिनेट कर 75 को मेरे को एलिमिनेट करना है, तो 75x / 75x कर देंगे तो ये दोनों एक दूसरे से कैंसिल हो गया और 1245 / 75 आ जाएगा। अब 75 को 5 से डिवाइड करेंगे तो मेरे को मिलेगा 25 और ऊपर वाले को फिर 5 से डिवाइड करेंगे तो मेरे को 2 8
और 5 285 मिलेगा। देन अगेन हम 5 से मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे तो ये आएगा 5, ये आएगा 5 और ये आएगा 7, 57। तो फ्रैक्शन में वैल्यू हो रहा है, हो सकता है हम लोग कहीं गलती कर रहे हैं, हम एक बार फिर से करते हैं। सपोज 75 421425 है, इसमें मेरे को 75 से डिवाइड करना है, तो 5 से डिवाइड करते हैं, अच्छा यहाँ 25 कर दिए तो 15 होगा, 15 फाइव फिफ्टीन जैसे 15 5 जैसे 75 होता है ना, वही मिस्टेक हो गया था। तो 5 2 10, 5 8 जा और ये 5 5 जा, ये हुआ। अब नेक्स्ट हम करेंगे इसको, फिर इससे करेंगे 3 आएगा, 5 से डिवाइड करेंगे तो 3 आएगा और इसको 5 से डिवाइड करेंगे तो 5 आएगा और फिर 7 आएगा। अब 3 19 जा, ये होता है 319 जा 57 होता है, तो 19 एक्स का मेरा वैल्यू है, तो एक्स इज इक्वल्स टू 19, तो मेरे को एक्स ही निकालना था, विनर्स हम लोग एक्स अज्यूम किए थे, तो एक्स इज इक्वल्स टू 19 हम लोग का आ गया। तो इस कंपटीशन को जीतने वाले कितने जन हुए, 19 लोग इस कंपटीशन को जीते हैं। और अगर सपोज हम लोग को क्वेश्चन में निकालना होता कि कितने लोग नहीं जीत पाए, तो हम लोग 63 माइनस एक्स भी निकाल लेते, तो उससे हम लोग का नॉन विनर्स भी निकल आता। तो इस तरीके से हम लोग लीनियर इक्वेशन का हेल्प से कॉम्प्लिकेटेड सम्स भी बना सकते हैं। ये तो भी बहुत ही इजी लेवल का सम्स था। थोड़ा और कॉम्प्लिकेटेड सम्स हम लोग करने का कोशिश करते हैं। अब थोड़ा और कॉम्प्लिकेटेड सा सम हम लोग करने की कोशिश करते हैं। तो लेट्स सी दिस सम। हसन बाइज टू काइंड्स ऑफ क्लोथ मटेरियल फॉर स्कूल यूनिफॉर्म, शर्ट मटेरियल दैट कॉस्ट हिम ₹50 पर मीटर एंड ट्राउजर मटेरियल दैट कॉस्ट हिम ₹90 पर मीटर। फॉर एवरी 3 मीटर ऑफ शर्ट मटेरियल दैट ही बाइज, 2 मीटर ऑफ ट्राउजर मटेरियल। He sells the material at 12% and 10% profit respectively. His total sale is 36,600. How much trouser material did he buy? तो बहुत सारा चीज़ इसमें दिया हुआ है, बहुत इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है। तो इससे हम किस तरीके से इक्वेशन बनाएंगे, ये हम लोग कैसे डिसाइड करेंगे, हम लोग बहुत अच्छा से सम को एनालाइज करेंगे। तो एनालाइज और विजुअलाइज जब हम लोग कोई भी सम को करना सीख जाएंगे, तो हम लोग कॉम्प्लिकेटेड से कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम बहुत आराम से कर सकते हैं। तो अब देखिए, इस चीज़ को रियल लाइफ में रिलेट करने की कोशिश कीजिए। सपोज अगर हम लोग को स्कूल यूनिफॉर्म बनाना होता है, तो हम लोग क्या करते हैं, स्कूल का शर्ट का चीज़ देखते हैं और पैंट का चीज़ देखते हैं। पैंट बनाने के लिए पैंट का मटेरियल और शर्ट बनाने के लिए शर्ट का मटेरियल, तो उसका भी कुछ कॉस्ट लगता है। शर्ट और पैंट का अलग अलग कॉस्ट आता है और अलग अलग क्वांटिटी में लेना पड़ता है। जितना पैंट का कपड़ा लगेगा, शायद उतना कपड़ा मेरे को शर्ट का ना लगे। उस हिसाब से अगर हम लोग सोचें थोड़ा कि रियल लाइफ में हम लोग किस हिसाब से खरीदारी करते हैं, किस तरह से शॉपिंग करते हैं, उसी से हम अगर हम लोग सम को भी कनेक्ट करें, तो हम लोग के लिए आसानी होगा सम करने में। तो सपोज हम लोग को बोला गया है कि फर्स्ट में हम लोग के क्या क्या इन्फॉर्मेशन दिया गया, वो चीज़ हम लोग देख लेते हैं कि शर्ट का मटेरियल का कॉस्ट है 50 पर मीटर। तो कॉस्ट ऑफ शर्ट मटेरियल हम लोग को बताया गया सम में कि कितना है, ₹50 पर मीटर। और ट्राउजर मटेरियल का कॉस्ट है ₹90 पर मीटर। अब बताया गया कि फॉर एवरी 3 मीटर ऑफ शर्ट ही बाइज 2 मीटर ऑफ ट्राउजर। तो ये एक तरीके से हम लोग को रेशियो बता दिया है कि शर्ट मटेरियल अगर वो 3 खरीदता है, तो ट्राउजर वो कितना खरीदेगा, 2 खरीदेगा। तो एक तरीके से हम लोग को रेशियो बता दिया, तो शर्ट इज टू ट्राउजर विल बी वॉट, 3:2, ये हम लोग को उन लोग का रेशियो बता दिया। अच्छा, अब नेक्स्ट हम लोग को बोला क्या कि 12% प्रॉफिट और 10% प्रॉफिट रेस्पेक्टिवली किया गया, मतलब जो पहले था यानी शर्ट पहले था, तो शर्ट में वो प्रॉफिट कमाया कितना, 12% का, और ट्राउजर में कितना कमाया, ट्राउजर में 10% का कमाया। तो इस हिसाब से ये हम लोग का सम कंस्ट्रक्शन, और दोनों टोटल बेचने के बाद में उसको पास प्रॉफिट आया
टोटल रुपीज आया 36,600 का। तो अच्छा, अब अगर हम लोग सपोज 50 पर मीटर लेने जा रहे हैं, 50 रुपीज पर मीटर खरीदना है मेरे को, और मेरे को 3:2 का रेशियो में खरीदना है। 3 मतलब इसको रिप्रेजेंट कर रहा है कि इसको शर्ट मटेरियल को, और 2 रिप्रेजेंट कर रहा है ट्राउजर को। तो फर्स्ट में हम अज्यूम करेंगे क्या, लेट द शर्ट मटेरियल हसन बाईस इज इक्वल्स टू 3x। तो 3x हम लोग अज्यूम कर लिए। जब हम पहले वाला सम में भी बोले थे, रेशियो का जब भी आता है, रेशियो अगर हम लोग को दिया हुआ है तो हम उसको उस रेशियो के हिसाब से x लेंगे। तो यहाँ पे शर्ट का 3 दिया हुआ है और ट्राउजर का 2 दिया हुआ है, तो शर्ट को हम 3x ले लिए, और ट्राउजर मटेरियल कितना लेंगे हम लोग, दैट हजन बाइज इज इक्वल टू 2x। तो अच्छा, 3x मीटर हम खरीदे हैं, 3x मीटर शर्ट का है मेरे पास में और ट्राउजर का 2x मीटर है। तो अगर 1 मीटर का दाम 50 है तो 3x का दाम कितना होगा, कॉस्ट ऑफ 3x मीटर शर्ट इज इक्वल्स टू व्हाट, 50 × 3x यानी 150x, ये हमको मिल गया। और उसी तरीके से कॉस्ट ऑफ 2x मीटर ट्राउजर मटेरियल कितना होगा मेरे पास, 90 × 2x यानी 180x, ये हो गया। अच्छा, ये हो गया मेरा कॉस्ट प्राइस, क्योंकि अभी हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस चैप्टर नहीं किए हैं, तो इसको हम लोग परसेंटेज के हिसाब से ही करेंगे, परसेंटेज तरीका से निकालेंगे। एक बार अगर हम लोग का प्रॉफिट एंड लॉस हो जाएगा तो उसको उस तरीके से भी करके करके किया जा सकता है। सपोज अगर 150x मेरा शर्ट का कॉस्ट है और बताया है कि 12% प्रॉफिट होगा, तो परसेंटेज निकालने का तरीका क्या होता है, प्रॉफिट इन शर्ट कितना होगा मेरा, 12/100 × 150x, ये मेरा प्रॉफिट हो गया शर्ट में। तो ये हो गया 2, ये हो गया 3, ये हो गया 1, ये हो गया 6, तो मेरे पास 18x प्रॉफिट आया। तो सेलिंग प्राइस ऑफ शर्ट कितना हो गया, सेलिंग प्राइस ऑफ शर्ट कितना हो गया, 18x प्लस जो कॉस्ट लगा था वो तो दिया ही, तो यानी 150x, यानी टोटल हो गया मेरा 168x। उसी तरीके से प्रॉफिट इन ट्राउजर, ट्राउजर कितना है, 10% का है, 10% ऑफ व्हाट, 10% ऑफ कॉस्ट प्राइस यानी 180। तो ये जीरो इससे कटा, ये जीरो इससे कटा, तो आ गया मेरा 18x, 18x। तो उस तरीके से मेरा एसपी ऑफ ट्राउजर कितना हो गया, सीपी प्लस प्रॉफिट यानी 180 प्लस 18x, 180x प्लस 18x यानी 198x। अच्छा, अब अकॉर्डिंग टू सम सेलिंग प्राइस ऑफ ट्राउजर प्लस सेलिंग प्राइस ऑफ शर्ट मेरे को 198x प्लस 168x देगा, जो कि इक्वल्स टू होगा 36,600 के, 36,600 के, 36,600 का हमको मिल गया। तो इससे हम लोग एक्स का वैल्यू निकाल सकते हैं, अब लिनियर इक्वेशन टाइप आ गया हम लोग के पास में। तो 168, 268, 368, 368 से 2 माइनस कर दिए, 366 एक्स मेरा हो गया लेफ्ट हैंड साइड में, और 366 00 हो गया मेरा राइट हैंड साइड में। अब एक्स का वैल्यू निकालने के लिए हम 366 को 366 से डिवाइड करेगा लेफ्ट हैंड साइड में, और राइट हैंड साइड में भी सेम चीज़ करेगा क्योंकि मेरे को बैलेंस बनाना है। तो ये इससे कट गया और ये 100 हो गया। तो एक्स का वैल्यू मेरा आ गया 100, एक्स का वैल्यू आ गया मेरे पास 100। बट हमको क्या निकालने बोला है क्वेश्चन में, हाउ मच ट्राउजर मटेरियल डिड ही बाई। तो ये हम लोग अज्यूम किए थे ट्राउजर मटेरियल वो बाई करेगा 2x, तो x का वैल्यू है 2, तो हम लोग करेंगे 2x निकालेंगे, यानी 2 × 100 यानी 200 मीटर मेरा आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से हम लोग को पूरा सम करना है अज्यूम कर करके, किस हिसाब से ये जो प्रॉफिट हम निकाले फिर एसपी निकाले। जब हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस चैप्टर कर लेंगे तब हम लोग एसपी सीधा निकाल सकते हैं प्रॉफिट परसेंटेज से, बट क्योंकि अगर हम अभी हम लोग प्रॉफिट और लॉस नहीं किए हैं इसीलिए हम वो वाला चीज़ नहीं दिखाएं। अगर तभी भी अगर जान के रखना है तो हम निकाल सकते हैं। अगर सपोज मेरे को सीपी दिया हुआ है, कॉस्ट प्राइस मेरे को दिया हुआ है कोई भी मटेरियल का, अगर मेरे को एसपी निकालना है तो उसका फॉर्मूला होता है 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट बाई 100 इंटू सीपी।
तो इस तरीके से हम लोग डायरेक्ट ही एसपी निकाल सकते थे, बट क्योंकि ये वाला फॉर्मूला अभी तक हम लोग पढ़े नहीं है, इसलिए हम पहले प्रॉफिट परसेंटेज निकाले, उसके बाद कॉस्ट प्राइस में ऐड करके सेलिंग प्राइस अलग से निकाले। तो इस तरीके से निकाल अगर डायरेक्ट फॉर्मूला से भी निकालेंगे तो हम लोग का सम रॉन्ग नहीं होगा, तो ये बात हम लोग का दिमाग में रखना पड़ेगा। तो हम लोग लीनियर इक्वेशन के हेल्प से मेंचुरेशन का सम्स कर चुके हैं, एजेस का सम कर चुके हैं, प्रॉफिट एंड लॉस का सम्स कर चुके हैं, जनरल रियल लाइफ एग्जांपल्स भी ले चुके हैं। तो अब एकमात्र जो ऐसा सम हम लोग का बचा हुआ है वो है नंबर बेस्ड सम, नंबर 2 डिजिट नंबर बेस्ड सम्स। तो उसमें क्या होता है कि सपोज हम लोग को कोई 2 डिजिट का नंबर दिया हुआ है और उसको बोल दिया कि हम लोग इंटरचेंज कर दिए, यानी अगर हम लोग को नंबर दिया हुआ है 73 तो उसको इंटरचेंज कर दिए तो वो हो जाएगा 37, और दोनों के बीच का डिफरेंस या दोनों के बीच का सम दे देगा हम लोग को, और हमको बताना है कि ओरिजिनल नंबर क्या था उस हिसाब से। तो ये वाला टाइप ऑफ सम्स कैसे किया जाता है, ये चेस करने के पहले कि हम लोग थोड़ा सा इसका 2 डिजिट्स नंबर का क्या होता है उसको देखते हैं। फंडा, सपोज अगर नंबर मेरे पास 25 है तो इसमें ये जो डिजिट है 5 ये है मेरा यूनिट डिजिट, और ये जो है नंबर 2 ये है मेरा 10th डिजिट, ये हो गया मेरा यूनिट डिजिट, ये हो गया मेरा 10th डिजिट। तो 25 को हम इस तरीके से लिख सकते हैं 5 × 1 + 2 × 10, यूनिट डिजिट में जो नंबर है उसको 1 से मल्टीप्लाई किए और जो टेंस में जो नंबर है उसको 10 से मल्टीप्लाई किए, मतलब 5 × 1 मेरे को देगा 5 और 2 × 10 मेरे को देगा 20, तो ये भी 25 ही होगा। अच्छा, अब अगर हम इसको इंटरचेंज कर दिए तो ये मेरा क्या हो गया 52। इस 52 को भी हम लोग इस तरीके से लिख सकते हैं 2 × 1 + 5 × 10, तो ये मेरा ये भी मेरे को 52 ही देगा, 2 + 50 = 52। तो ये जो लॉजिक है यूनिट डिजिट को 1 से मल्टीप्लाई करना और 10 जो 10 डिजिट्स को 10 से मल्टीप्लाई करना, इसे ये चीज़ को हम लोग यूज करते हैं लीनियर इक्वेशन से सॉल्व करने टाइम में। तो सपोज हम लोग को सम में क्या बोला गया, हम लोग पढ़ते हैं सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ अ 2 डिजिट नंबर इज 9, इफ वी इंटरचेंज द डिजिट्स वी फाइंड दैट द रिजल्टिंग न्यू नंबर इज ग्रेटर देन द ओरिजिनल नंबर बाई 27, वॉट इज द 2 डिजिट नंबर। तो सपोज अगर मेरे पास नंबर 25 है तो इन दोनों का सम क्या हुआ, 2 + 5 कितना हुआ 7 हुआ, अगर मेरे पास 5 और 2 नंबर है तो इन दोनों का सम भी कितना हुआ 7 हुआ। तो सम में बोला गया है क्या कि जो 2 डिजिट का 2 नंबर होगा उन दोनों का सम है 9। तो अगर मेरे पास जैसे सपोज नंबर हुआ 72 तो 7 + 2 = 9 होगा, तो मतलब 7 और 2 का सम जो है वो 9 होगा, तो इसका आंसर 72 हो सकता है क्योंकि सम जो है दोनों का 9 है, बट वी आर नॉट श्योर। इसका 63 भी आंसर हो सकता है क्योंकि 6 + 3 भी 9 होता है, 54 भी हो सकता है क्योंकि 5 + 4 भी 9 होता है। तो इसी को फाइंड आउट करने के लिए हम लोग लीनियर इक्वेशन से इसको सॉल्व करेंगे। कैसे करेंगे, सबसे हम लोग फर्स्ट में अज्यूम करेंगे लेट द यूनिट्स डिजिट ऑफ द ओरिजिनल नंबर नंबर बी एक्स, तो मतलब जो भी नंबर मेरा ओरिजिनल जिसको फाइंड करना है उसका यूनिट डिजिट है मेरा एक्स होगा। तो मेरा 10th डिजिट कितना होगा, 10th डिजिट कितना होगा, हाउ व्हाट विल बी द 10th डिजिट ऑफ द ओरिजिनल नंबर। एग्जांपल हम लोग लिए थे 72, 72 का यूनिट डिजिट 2 था और दोनों का टोटल है 9, तो 7 को हम लोग 9 - 2 = 7 करके निकाल सकते हैं। तो अगर हम मतलब दोनों का सम से हम यूनिट डिजिट को माइनस करेंगे तो मेरे को 10th डिजिट मिल जाएगा, तो 10th डिजिट विल बी व्हाट, 10th डिजिट विल बी 9 - x, क्योंकि यहाँ पे यूनिट डिजिट और 10th डिजिट का सम टोटल कितना है 9 है। तो अगर यूनिट डिजिट मेरा x हुआ तो 10th डिजिट मेरा क्या हो जाएगा 9 - x। अब मेरा नेक्स्ट निकालने का क्या है, ओरिजिनल नंबर, तो ओरिजिनल नंबर मेरा क्या होगा, यूनिट डिजिट में जो है उसको 1 से मल्टीप्लाई करना और 10th डिजिट में जो है उसको 10 से मल्टीप्लाई करना, ये हुआ जैसे यहाँ पे किए थे सेम लॉजिक। x इंटू 1 विल गिव मी व्हाट x, एंड 9 × 10 विल गिव मी 90, एंड x -x × 10 विल गिव मी -10x, तो व्हाट विल बी द ओवरऑल ओरिजिनल नंबर, 90 - 9x विल बी माई ओरिजिनल नंबर।
अच्छा अब मेरे को सम में क्या बोला गया है, इफ वी इंटरचेंज द डिजिट्स वी गेट द दैट द रिजल्टिंग न्यू नंबर। अगर हम इंटरचेंज कर दें, इंटरचेंज कर देना का मतलब क्या हुआ, यूनिट्स का जो डिजिट है वो टेंस में चला जाएगा और टेंस का डिजिट जो है वो यूनिट्स में आ जाएगा। तो यहाँ पे मेरा यूनिट्स में क्या था, एक्स था, तो इंटरचेंज करने के बाद में टेंस डिजिट कितना हो गया, टेंथ डिजिट मेरा हो गया एक्स और यूनिट डिजिट मेरा क्या हो गया 9-x। तो आफ्टर इंटरचेंजिंग न्यू नंबर जो मेरे को मिला वो उसका वैल्यू क्या होगा, 9-x into 1 प्लस 10 into x, या फिर हम लोग उल्टा लिखे x प्लस एक्स इंटू 10। तो 9-x into 1 तो मेरे को 9x ही देगा और 10x into 10 मेरे को 10x देगा। तो 9 minus 9 plus 9x ये मेरा ओरिजिनल नंबर है। अब हम लोग कंडीशन देखते हैं, कंडीशन क्या बोला है कि इफ इंटरचेंज द डिजिट्स वी फाइंड दैट द रिजल्टिंग न्यू नंबर इज ग्रेटर देन द ओरिजिनल बाय 27। मतलब जो नया नंबर मेरे को मिला दिस इज ग्रेटर देन द ओरिजिनल नंबर बाय 27। मतलब अगर हम इसको इससे माइनस करेंगे तो मेरे को क्या मिलेगा, 27 मिलेगा। तो अकॉर्डिंग टू सम 9 plus 9x minus 90 minus 9x will give me 27. 9 plus 9x minus 90 plus 9x, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाता है, ये बहुत ध्यान रखना होगा। अगर ये भी माइनस कर देंगे तो एक्स ही कैंसिल हो जाएगा, तो ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है, इसमें बहुत बार मिस्टेक हो जाता है। ओके, तो 9 minus 91 मेरे को देगा -81 और 9 plus 9 मेरे को देगा 18x इज इक्वल टू 27। अब मेरे को -81 जो कॉन्स्टेंट टर्म है मेरे को राइट हैंड साइड से हटा, लेफ्ट हैंड साइड से हटाना है, तो इसमें हम क्या कर देंगे, +81 कर देंगे, +81 -81 18x और 27 plus 81 मेरा इस साइड हो जाने वाला है। तो ये दोनों एक दूसरे से कैंसिल हो गया, 18x मेरे पास आ जाएगा, 7 plus 1 8 और 8 plus 2 10। तो अब मेरे को 18 को डिवाइड एलिमिनेट करना है, तो 18 by 18 कर देंगे और 108 by 18 कर देंगे, तो ये मेरा कैंसिल हो गया और यहाँ पे मेरा आ जाएगा 6, 18 6 या 108 होता है। तो x का वैल्यू आ गया मेरे पास 6, तो x का वैल्यू मेरे को नहीं निकालना, मेरे को क्या निकालना है, ओरिजिनल नंबर निकालना है। तो अगर x का वैल्यू 6 है तो ओरिजिनल नंबर मेरा क्या होगा, व्हाट विल बी माय ओरिजिनल नंबर 19 minus 9x is equals to 90 minus 9 into 6, यानी 90 minus 9 into 6 कितना होता है, 54। तो ये होगा मेरा 6 और ये होगा मेरा 3, 36 विल बी माय आंसर, 36। देख लीजिए 3 plus 6 करने से मेरा 3 plus 6 करने से मेरा कितना आता है, 9 आता है। तो ये एक चेक हो गया मेरा, फर्स्ट में अगर इसको इंटरचेंज करेंगे तो मेरा नंबर क्या हो जाएगा, 63, और 63 को हम 36 से माइनस कर देंगे तो मेरे पास आएगा 7 और यहाँ 2, 27। तो दोनों तरफ से चेक हो गया, तो मतलब हम लोग सम सही किए। तो इस हिसाब से होता है इंटरचेंज वाला सम। बाय चांस अगर समझ में नहीं आया तो ये वाला को वीडियो को रिवाइंड करके फिर से एक बार पूरा देखो, तब जाके आपको पूरा अच्छा तरीका से समझ में आएगा। और इंटरचेंज का सम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है। प्रॉब्लम सम सॉल्व, बेसिक जो लीनियर इक्वेशन है वो सारा तो सॉल्व कर लिए, बस एकमात्र चीज़ जो लास्ट बच जाता है वो होता है इस टाइप ऑफ सम्स। मतलब इस साइड भी, लेफ्ट हैंड साइड भी दो, डिनोमिनेटर में एक टर्म है और डिनोमिनेटर में एक टर्म है, और राइट हैंड साइड में भी डिनोमिनेटर में एक है और डिनोमिनेटर में एक न्यूमेरिक वैल्यू है। तो इस टाइप ऑफ सम्स में हम लोग क्या करते हैं कि इस वाले को इससे मल्टीप्लाई करते हैं और इस वाले को इससे मल्टीप्लाई करते हैं। इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से हम लोग एक्स का वैल्यू निकाल सकते हैं। तो 5 को जब हम इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 5 3x plus 4, और ये -2 को अगर हम इससे मल्टीप्लाई करेंगे 2 minus 6x, ऐसे आएगा। तो 5 into t is 3x is 15x एंड 5 into 4 is 20, -2 into -2 is -4 एंड -2 into -6 is +12x। तो ये मेरा इक्वेशन टाइप आ गया।
अब हमको इस वाले से कांस्टेंट टर्म को हटाना है, तो 15x प्लस 20 माइनस 20 करेंगे इज इक्वल टू यहाँ पे माइनस 4 प्लस 12x प्लस सॉरी माइनस 20 आएगा। तो ये 20 20 एक दूसरे से कैंसिल हो गया, बचा यहाँ पे 15x, यहाँ पे आएगा माइनस फोर इन माइनस 20 मेरा माइनस 24 हो जाएगा प्लस 12x आ जाएगा। अब यहाँ से मेरे को जो वेरिएबल टर्म है 12x इसको एलिमिनेट करना है, तो नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, 15x इज इक्वल्स टू माइनस 24 प्लस 12x माइनस 12x करेंगे, जिससे मेरा ये दोनों एलिमिनेट हो जाएगा। बट क्योंकि हम यहाँ पे माइनस 12x किए तो यहाँ पे भी माइनस 12x करना पड़ेगा, तो बचा यहाँ पे 3x इज इक्वल्स टू माइनस 24, एक्स इज इक्वल्स टू व्हाट माइनस 24 बाई 3 दैट इज इक्वल्स टू 8, तो x का वैल्यू मेरे पास 8 आ गया। तो इस तरीके से क्रॉस मल्टीप्लीकेशन का हेल्प से भी हम बहुत सारा सम्स कर सकते हैं। तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन जान के रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये खाली एक्स टर्म्स अगर इस तरफ भी होता तो भी हम लोग कर सकते हैं, जैसे अगर 3x प्लस 4 बाई 2 इज इक्वल्स टू 7x प्लस 6 बाई 3 ऐसा अगर नंबर होगा तो इसमें भी हम क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड यूज़ कर सकते हैं। ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी 3x प्लस 4 होगा और इज इक्वल टू 2 7x प्लस 6 होगा। देन जिस तरीके से हम लोग सॉल्व करते हैं लीनियर इक्वेशन को, उस तरीके से करेंगे 9x प्लस 12 इज इक्वल्स टू 14x प्लस 32, और फिर जिस तरीके से किया जाता है उस तरीके से कर सकते हैं। तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड इसी को बोलते हैं। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड का डायरेक्ट सम्स भी पूछ सकता है, या फिर कभी कभार ऐसा भी हो सकता है कि प्रॉब्लम सम्स में जो इक्वेशन बन के आ रहा है वो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन का फॉर्म में होगा, तो उस समय भी हम उसका यूटिलाइज कर सकते हैं। तो इससे इस लास्ट सम से हम लोग खत्म करते हैं ये वाला चैप्टर लीनियर इक्वेशन का। नेक्स्ट डे हम लोग फिर नेक्स्ट चैप्टर के साथ फिर से वीडियो बनाएंगे।